भारतीयों का सब्र अब खत्म हुआ क्योंकि हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। और उसी खुशी में हम इस चैनल पर एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें आपको राम जी का मंदिर बनने से पहले कुछ रहस्यमयी बातें और हिंदुओं पर अत्याचार और कैसे बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया और क्या है 500 सालों का इतिहास, इन सभी सवालों के जवाब इस सीरीज में आपको मिलेंगे। तो भगवान श्री राम का नाम लेके शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पहले पार्ट की। ये तो सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है जिसका 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। यह कई विवादों के बाद संपन्न हुआ। तो आखिर में यह विवाद शुरू कहां से हुए? शुरुआत होती है साल 1526 में जब बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा देते हैं। एंड दिस विक्ट्री मार्केट द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और उसी दौरान 1528 में बाकी ताशकंदी जिसे मीर बाकी भी कहा जाता था, उन्होंने बाबर के निर्देशों पर राम मंदिर को तोड़कर बाबर जीत का निर्माण करवाया जिस उस समय कई हिंदुओं को अपने दिल पर पत्थर रख कर चुप रहना पड़ा क्योंकि जिन लोगों ने उनका विरोध किया उन्हें बाबर के सैनिकों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता था। वह दौर हिंदुओं के लिए आज भी दर्दनाक है। उस समय मुगलों का शासक था और उसी का फायदा मीर बाकी और बाबर ने उठाया था और राम मंदिर तोड़ा और हिंदुओं के दिल पर ठेस पहुंचाई जाती है। उसके कई समय बाद जयपुर के राजा जय सिंह 1717 यानी बाबरी मस्जिद के निर्माण के 190 साल बाद जय सिंह वह पहले राजा थे जिन्होंने बाबरी मंदिर के आसपास की जमीन हासिल करने की कोशिश की, परंतु उस समय राम मंदिर बनाने में वह कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन वह उस समय मंदिर के पास एक चबूतरा बनाते हैं जिसका नाम राम चबूतरा रखा जाता है, जिससे भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग वहाँ पूजा करते थे और कबूतरों को दाना भी देते थे। लेकिन साल 1855 में हिंदुओं को अंदर आने पर रोक लगाई जाती है क्योंकि जब मुस्लिम नमाज अदा करते थे तभी हिंदू राम चबूतरे पर जाकर भगवान श्री राम की पूजा किया करते थे और यह चबूतरा विवादित क्षेत्र से लगभग 50 गज की दूरी पर बनवाया गया था जिससे मुस्लिम लोगों ने एक बार फिर हिंदुओं को अंदर आने से रोक लगाई थी। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने द फैजाबाद कोर्ट डिसीजन में एक फैसला सुनाया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यह कौन सा जजमेंट था, क्यों ब्रिटिश सरकार ने ऐसा निर्णय लिया? तो यह जजमेंट करीब 27 साल बाद 26 मार्च 1886 में हिंदुओं पर फैसला सुनाया जाता है जिसके तहत बाबरी मस्जिद व राम मंदिर के बीच में एक दूरी बनाई जाती है और राम चबूतरे को मंदिर बनवाने की मांग की जाती है। लेकिन उस फैसले में कहा गया कि वहाँ हिंदू पूजा अर्चना तो कर सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं बना सकते, दोनों धर्म में न कोई विवाद हो पाए। इस फैसले को द फैजाबाद कोर्ट डिसीजन या द फैजाबाद जजमेंट नाम दिया जाता है जिसके आधार पर दोनों रिलीजन के लोग अपने अपने भगवान की पूजा शांतिपूर्वक कर सके। यह कुछ साल यू ही चलता रहा और हिंदू बार ही भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। कुछ साल बाद 1934 में एक बार फिर अयोध्या में दंगे होते हैं और यह कह लीजिए कि कुछ हिंदुओं ने मिलकर बाबरी मस्जिद के चारों ओर बनी दीवार तोड़ दी गई और मस्जिद के गुंबदों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। लेकिन यह भी हिंदुओं के लिए सही नहीं था क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ने मस्जिद की दीवारों को पुनर्निर्माण करवाने का फैसला कर दिया था और मस्जिद का निर्माण कर मुसलमानों के हित में फैसला सुनाती है। तब 1936 में मस्जिद के पास गज ए शहीदन नामक एक कब्रिस्तान सौंपी जाती है जो एक मुस्लिम पवित्र स्थल के नाम से भी जानी जाती थी। लेकिन उस समय देश के नेता और देशवासी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने 26 फैजाबाद के रूप में उत्तर प्रदेश में सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के साथ 1936 अधिनियम के तहत मुस्लिम पवित्र स्थल को पंजीकृत किया जाता है। लेकिन फिर भी पिछले 400 साल तक हिंदू अपने भगवान की लड़ाई लड़ रहे थे तो ना तो उस समय देश आजाद हुआ था और ना ही मीडिया में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि यह मुद्दा देश के हर नागरिक के सामने ला सके और उस समय कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपने हाथ ऊपर कर देती है। पर इन्हीं सभी चुनौतियों के बावजूद भी कोई चिंतित था तो वह थे देश की आम जनता जो मिलकर अंग्रेजों व मुसलमानों के खिलाफ अपने प्रभु के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक रिपोर्ट यह भी कहती थी कि उस समय मुसलमानों के मस्जिद जाते समय उन पर कोई रोक टोक और उनका कोई नाम ले सके। मुसलमानों ने सरकार को बताया कि मस्जिद को हिंदुओं से खतरा है और जब वह नमाज अदा करने जाते थे तो उनकी तरफ आसपास के घरों से जूते और पत्थर फेंके जाते थे। मुसलमान भय के कारण एक भी शब्द नहीं कहते थे और तभी रघुदास के बाद लोहिया ने अयोध्या का दौरा किया और वहां जाकर एक स्पीच में कहा कि आप मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए और उस पर हिंदुओं ने पहली बार अपनी आवाज सामने रखी और कहते हैं कि यह हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, यहां बाबर के निर्देशों पर मस्जिद बनाई तो हमें दे दो जिससे हम अपने प्रभु का मंदिर बना सके। परंतु इस बात को वहीं दबा दिया जाता है और एक बार फिर हिंदुओं को चुप कराया जाता है। लेकिन हिंदुओं के दिल में बरसों का सपना था कि वह अपने प्रभु का मंदिर बना सके लेकिन उन्हें हर बार चुप कराया जाता था क्योंकि उस समय सरकार भी उनके साथ नहीं थी। यह सब ऐसे ही चलता रहा और
साल 1947 में देश को आज़ादी मिलती है और हिंदुओं को एक नई किरण भी मिलती है और उनको लगता है कि अब हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के लिए। हाल ही की मैंने आपको आगे भी बताया था कि कांग्रेस सरकार पहले से इस मुद्दे पर अपने हाथ ऊपर कर देती है और साथ ही कांग्रेस का एक भी नेता इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता था। उस समय देश तो आज़ाद हो चुका था बट भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की कोई बातचीत नहीं होती थी। और दोस्तों, जब हिंदुओं को इतने संघर्ष के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता तो वही से शुरुआत होती है राम मंदिर के असली विवाद की। 22 दिसंबर 1949 की देर रात्रि को जब मस्जिद के गार्ड सो रहे होते हैं तभी वहाँ मस्जिद के अंदर श्री राम और माता सीता की मूर्ति पाई जाती है और अगली सुबह भक्त इकट्ठा होने लगते हैं। पर कुछ मुसलमानों का यह भी कहना था कि यह मूर्तियां लोगों के द्वारा अंदर रखी गई है और इसकी खबर कांस्टेबल माता प्रसाद द्वारा दी गई होती है। तो अयोध्या पुलिस थाने में इसकी सूचना दर्ज होती है और देखते ही देखते यह विवाद एक बड़ा रूप लेता है जिसके चलते मुस्लिम समुदाय में कई सवाल उठाए जाते हैं। पर भक्तों के लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था। तो मुस्लिम समुदाय ने फिर एक सूचना सब इंस्पेक्टर राम दुबे को कहा कि देर रात को 50 से 60 लोगों के एक दल ने मस्जिद परिसर का ताला तोड़ा और दीवारों को कूद कर अंदर जाते हैं और भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करते हैं। साथ ही लाल दुमट से मस्जिद के बाहर और अंदर सीता राम के चित्र बनाए गए। एक तरफ मुस्लिम पुलिस को यह बयान दे रहे थे और वहीं दूसरी साइड लगभग 5 से 6 हजार भक्त मस्जिद के बाहर भजन करने लगे और धार्मिक नारे लगाते हुए अंदर प्रवेश करने लगे, परंतु उन्हें दरवाजे पर रोक दिया जाता है और पुलिस के निर्देशों पर हजारों भक्त वहां रुक जाते हैं। पर अगली सुबह भी दरवाजा नहीं खोला जाता और भीड़ भगवान श्री राम को प्रचार चढ़ाने के लिए मस्जिद का ताला तोड़कर अंदर। इस खबर को सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को एक चिट्ठी लिखते हुए उसमें कहा कि वे वहां जाए, देखे मामला किस प्रकार गंभीर है और साथ ही भगवान श्री राम की मूर्तियां हटाने का आदेश भी दे जाता है। पंत उसी आदेश के तहत सचिव भगवान सहाय और पुलिस कमिश्नर VN लाइडी ने मिलकर मूर्ति हटाने का आदेश दिया जाता है। तो KK नायर उनके अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मूर्ति को हटाया गया तो देश के सारे हिंदू भड़क सकते हैं और उन पर जवाबी हमला भी कर सकते हैं। और इसी डर से KK नायर आदेश पालन करने का असक्षम होते हैं, जिससे कुछ समय बाद यह मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट इस मामले को विवादित घोषित कर मस्जिद पर कुछ समय के लिए ताला लगा देती है। कुछ साल बाद फैजाबाद सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है जिसमें भगवान श्री राम की पूजा और साथ ही विवादित क्षेत्र में मूर्ति स्थापित करने की मांग रखी जाती है, लेकिन इस मामले पर भी कोर्ट का कोई फैसला नहीं होता। 9 साल बाद 1959 में फिर एक अर्जी लिखी जाती है जिसमें भक्तों ने विवादित क्षेत्र पर मालिकाना हक जताया। तो इस अर्जी पर 1961 में कोर्ट में एक और अर्जी लगाई जाती है जिस पर मस्जिद के आसपास की जमीन पर भी हक जमाया। ऐसे मामले कोर्ट में कई बार हुए जिसमें दोनों समुदाय मस्जिद व मंदिर के लिए अपना हक जताते थे और अर्जी दाखिल करवाई जाती थी। यह सब कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ समय बाद BJP का गठन होता है और BJP ने राम मंदिर के निर्माण का मोर्चा संभाला। वही साथ में विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की लड़ाई को तेज कर दिया और कुछ समय बीतने के बाद 1984 में राम मंदिर के लिए एक आंदोलन शुरू किया और VHP ने उस समय जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और इस आंदोलन में लाखों हिंदुओं ने साथ दिया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का संकल्प लिया जाता है। और फिर आंदोलन लखनऊ से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होता है क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को साधुओं को विज्ञान भवन में इकट्ठा होना था, पर बदकिस्मती से 31 अक्टूबर 1984 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इस आंदोलन को बीच में ही रोका जाता है। उसके बाद राजीव गांधी 1985 में देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस मामले पर एक बड़ा फैसला लिया और हिंदुओं के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया। हिंदुओं के लिए उस समय केवल हिंदू आयोजन की अनुमति थी जिसमें हिंदू पुरोहित मूर्तियों का सालाना पूजा करते थे और इस फैसले के बाद सभी हिंदुओं को मस्जिद में राम मंदिर के रूप में कुछ अधिकार मिल गए। हालांकि 9 नवंबर 1989 को VHP के नेताओं और साधुओं ने मिलकर विवादित भूमि के पास 7 क्यूबिक फीट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी और उसी जगह को गर्भगृह को गर्भगृह का सीओ द्वार बनवाया गया। इसके बाद VHP ने विवादित मस्जिद से छठी जमीन पर एक मंदिर बनाने की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को VHP और BJP ने मिलकर विवादित स्थल पर 1.5 लाख स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया और उन्हीं लोगों को कर सेवकों के नाम से भी जाना जाता था। यह रैली धीरे धीरे बढ़ती गई और सुरक्षा बलों पर हावी हो जाती है और मस्जिद पर झंडे फहराए जाते हैं। पुलिस इन कर सेवकों को रोकने की कड़ी मेहनत भी करती है
बट वह नाकामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री मुलायम सिंह कर सेवकों पर गोली चलाने के आदेश देते हैं और उस दिन कर सेवकों जो हिंदुओं के लिए लड़ रहे होते हैं उन्हें मारा जाता है, जिसमें लगभग 55 कर सेवक मारे जाते हैं। बट यूपी पुलिस 17 ही बताती। इस मामले के बाद कई महीनों तक हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में हिंसा होती है, जिसके चलते बॉम्बे में 2000 लोगों की मौत हो जाती है और उसी समय देश में दंगे भी भड़क जाते हैं। और मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 सितंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, तो कुछ मंदिरों में आग भी लगाई जाती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में एक मंदिर को बिल्कुल नष्ट कर देता है। साथ ही बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं और देखा जाए तो उस समय देश में ही नहीं बल्कि देश के पड़ोसी मुल्कों में भी आग लग चुकी थी। उस समय इस हिंसा ने भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस दंगे में देश भर में 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट भी हो चुके थे, लेकिन यह दंगे तो तब ज्यादा हुए जब पुलिस ने अशांति को शांत करने के लिए भीड़ पर गोलियां चलाई। पुलिस को लगता था कि वह उन पर नियंत्रण कर सकेगी, परंतु उसके उल्टा हुआ और यह सारी घटनाएं शहर के मुस्लिम इलाकों में होती है। दंगे इतने बढ़ते रहे कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव को इस्तीफे की मांग की गई और अगेंस्ट में बीजेपी पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, क्योंकि जो एक शांतिपूर्वक धार्मिक प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ वह रविवार को एक दंगे में बदल गया और बीजेपी ने अपने कर सेवकों पर अपना नियंत्रण खो दिया, जो मस्जिद को 5 घंटे में पत्थर की इमारत को मलबे में तब्दील कर देते हैं। तो सदन में विपक्ष नेता के रूप में इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी और पार्टी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने मस्जिद पर जमा हुई भीड़ को उकसाया, जिससे मस्जिद की इमारतें व देश में दंगे होते हैं और बीजेपी की संचालित सरकार को बरखास्त कर दिया। सरकार उस समय कट्टर हिंदुओं पर भी प्रतिबंध लगा देती है और राम ने वादा किया कि उनकी सरकार मस्जिद का पुनर्निर्माण करेगी। कुछ नेता यह भी कहने लगे प्रधानमंत्री के रूप में राव की स्थिति फिलहाल सुरक्षित लग रही है, तो उनका नेतृत्व अनिर्णायक था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर दंगे फिर से होते हैं तो राव को इस्तीफा देना ही होगा। बाबरी मस्जिद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सदियों से चल रहे विवाद, उस समय 466 साल हो चुके थे, पर हिंदुओं और मुसलमानों के विवाद नहीं रुक रहे थे। इसी संघर्ष में एक बात तो तय थी कि हिंदू मस्जिद को मूल रूप से राम जन्मभूमि मानने लगे और सदियों से उस स्थान को प्राप्त करने व वहाँ राम मंदिर बनाने की कसम खाई। अयोध्या मस्जिद विवादों मुसलमानों और हिंदुओं के बीच गहरी कड़वाहा का प्रतीक बन गया, जिसने दुनिया के इस क्षेत्र को सदियों से विभाजित कर रखा था, जिससे देश में कई बार दंगे होते हैं और कई बार तो हिंदुओं के साथ अन्याय भी होता है। पर हिंदुओं ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका तो एक ही सपना था और वह था राम मंदिर बनाना। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको बाबरी मस्जिद बनने व हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के बारे में बताया गया। यह तो वह इतिहास था जिसमें मंदिर व मस्जिद की लड़ाई हुई थी, जो 1992 तक ही था। उसके बाद 5 जुलाई 2005 को कैसे कुछ आतंकवादियों ने राम मंदिर पर हमला किया और आखिर उन सभी के पीछे कौन था, इन सभी सवालों की चर्चा इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।